नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुकी त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। मित्रों, आज के वीडियो ब्लॉग में हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे जो भारतीय न्याय संहिता है, क्या उसके तहत जो अडल्ट्री अभी हाल फिलहाल में इंडियन पिनल कोड में स्पेसिफाइड है, उसमें क्या कुछ चेंजेस करने जा रही है पार्लियामेंट। देखिए, ऐसा है, हम इस टॉपिक पर जब डिटेल में बात करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अभी जो अडल्ट्री के कानून थे वो एक साइड टिल्टेड, यानी दीज वर टुवर्ड्स विमेन ओनली, उसमें जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ जैसा नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि कानून सिर्फ महिला पक्ष को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, लेकिन ये जो भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून आ रहा है जो इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करेगा, उसमें क्या ऐसा होने जा रहा है कि ये जो काफी लंबे अरसे से सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि ये जो अडल्ट्री का कानून है हमें इसे रिव्यू करने की आवश्यकता है और हमें इसमें इस हिसाब से काम करने की आवश्यकता है कि लगे कि ये कानून के समक्ष जो है बराबर वाला जो पक्ष है जो भारतीय संविधान गारंटी करता है पार्ट थर्ड में हर किसी को, हर भारत के नागरिक को, कि इक्वलिटी बिफोर लॉ रहेगी, क्या वो उस दिशा में एक कदम होने जा रहा है। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाने से वीडियो ब्लॉग्स आप लोगों के पास अनवान में पहुंचते रहेंगे। आइए इस वीडियो ब्लॉग को शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा है, हाल फिलहाल में जो अडल्ट्री है उसको इंडियन पिनल कोड की दफा 497 में परिभाषित किया गया है। अगर आप इसको नटशेल में समझना चाहें तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई आदमी, यानी कि कोई मैन, अगर किसी की महिला जो किसी और से शादीशुदा है उसके साथ अगर संभोग करता है या उसके साथ किसी तरह का जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उस दशा में ही कैन बी पनिश्ड अप टू 5 years या फाइन, दोनों का प्रावधान है, ऐसा भी सेक्शन 497 कहता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया अपने पिछले कई दशकों के जो ऑब्जर्वेशंस थे कि ये जो सेक्शन 497 है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो सिद्धांत है भारतीय संविधान में उसको अच्छे तरीके से परिलक्षित या दर्शाता नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय न्याय संहिता बन रही है उस पर पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसमें इस पर विचार किए जाने की बात आई है सामने, और ऐसा लग भी रहा है कि शायद जो नया कानून जो आएगा भारतीय न्याय संहिता उसमें इसमें इक्विलिब्रियम रखे जाने की संभावना लग रही है, दैट मीन्स द इक्वालिटी बिफोर लॉ। हाल फिलहाल में ऐसा है कि अडल्ट्री में सिर्फ मैन को ही सजा होती है, इनफैक्ट अगर आप क्रूल्टी की बात करें तो भी मैन कैन टेक अ ग्राउंड बेस्ड ऑन अडल्ट्री टू गेट अ डिवोर्स ओनली। हाउएवर, ऑन द अदर एंड, इफ इट्स अ ऑफेंस कमिटेड बाय अ मैन देन इट अट्रैक्ट्स अबाउट 5 years इम्प्रिजनमेंट। तो लग ये रहा है कि ये जो नया कानून है ये संविधान लाएगा और ये मैन एंड वुमेन को एक ही नजरिए से देखने की कोशिश करेगा। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि अब लग रहा है कि ये जो नया भारतीय न्याय संहिता जो आने वाला है इसमें काफी सारे जो चेंजेस थे उनको जो है इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। कई सारी चीजें अभी आमने सामने आ रही हैं, इनफैक्ट एक प्रपोज्ड जो स्टैट्यूट है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, बट वील हैव टू होल्ड अ हॉर्सेस टिल द टाइम द कंसल्टेशन कॉन्वर्सेशन इज डन बाय पार्लियामेंट्री कमिटी एंड द फाइनल स्टैट्यूट इज नोटिफाइड। तो देखिए, ऐसा है, समझ लीजिए कि अगर ये डिस्कशन हो रहा है अडल्ट्री के ऊपर कि अडल्ट्री को जो है बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा तो मुझे लगता है कि इसका फायदा जो है 50% जो आदमी है उनको भी होगा। कई बार जो है मैं एज अ ट्रायल कोर्ट के मेरे एक्सपीरियंस और व्हेन आई अपीयर बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स उसके बेसिस पे कह रहा हूँ कि इट इज वेरी इजी व्हेन इट कम्स टू वुमेन टू स्पेसिफाई अडल्ट्री एज वेल एज क्रूल्टी, बट जस्ट बाय सेइंग सर्टेन वर्ड्स ओनली at time before the court, but when the law will bring about equilibrium, तो ये जो है एक काफी एक अच्छी चीज होने जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जो है पुरुष के दृष्टिकोण से। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कि ये जो कानून जो आने जा रहा है ये समाज के लिए अच्छा है या बुरा है, आप अपनी राय दीजिए। इस वीडियो ब्लॉग में कमेंट का जो ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप अपनी राय दीजिए। इस वीडियो ब्लॉग को शेयर भी करिए जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, पूरे वीडियो ब्लॉग के दौरान आप लोगों ने देखा कि मेरी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल थी। अगर आपका आपके कोई सवाल रहें तो आप मेरी टीम से संपर्क साध सकते हैं। वील बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, वी हेल्प थाउजेंड्स ऑफ पीपल ईयरली व्हेन इट कम्स टू मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। इस वीडियो ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।